ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਰ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ ਔਰ ਆਰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ, ਆਰ ਵੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਔਰ आर वी मेकिंग इट हर्ड। पहले मैं लिसनिंग की बात करता हूं, क्योंकि मेरा अपना भी लिसनिंग स्किल है वो बहुत कम हो गया है पहले से। मेरा लिसनिंग स्किल कम हो गया है पहले से, बढ़ना चाहिए था, कम हो गया है। क्यों? कन्फ्यूजन की वजह से। लोग इतना कन्फ्यूज करते हैं, मैंने सुनना बंद कर दिया। लिसनिंग क्या होती है, मैं उदाहरण देता हूं। अभी भी दो आवाजें चल रही हैं इसमें, एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा है, एक मेरी आवाज है। आप आपका ध्यान इस बात पे जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कौन से गीत या गजल का है, या इस बात पे जाता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक इसी तरह अगर मेरे घर में एक टीवी पे न्यूज चल रही है और दूसरे के फोन पे म्यूजिक चल रहा है, मेरा ध्यान न्यूज पे है या उस म्यूजिक पे है? जिस चीज पे ध्यान होगा वही सुनेगी ना। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर लिसनिंग का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया ना, तो भले मेरा टीवी चल रहा है तो मैंने लिसन नहीं किया, राइट? Acknowledgement is the only way to confirm that I listen to you. If I do not acknowledge, simply I didn't listen to you. मैं जब भी किसी को ईमेल करता हूं ना, तो लिखता हूं please reply to acknowledge. मैं हैरान होता था जब कोई भी acknowledge नहीं करता था। मैं सोचता यार इतने समय लगा के, जिस 50-100 वर्ड में टाइप करता हूँ इंटेंशन के साथ, अपने विचार शब्दों में टाइप करता हूँ, फिर ईमेल करता हूँ, आगे से कोई एक्नॉलेज भी नहीं करता। क्या उसने बिना पढ़े डिलीट कर दिया होगा? क्या स्पैम मेल में चला गया होगा? जो रिप्लाई करेगा सिर्फ उसी को कंसिडर करता हूँ कि जे किसी ने एक्नॉलेज किया है। So, इस शब्द को मैं बार बार दोहरा दूं, acknowledgement। अगर मैंने जो आपने कहा मैंने acknowledge नहीं किया, इसका मतलब मैंने नहीं सुना। acknowledge किया तो सुना। ऐसे ही जब मैं किसी को ईमेल भेजता हूं, अगर उसने रिप्लाई किया तो acknowledge है, नहीं किया तो मुझे नहीं पता पढ़ा है, डिलीट कर दिया या स्पैम में चला गया। acknowledgement बहुत जरूरी है। दूसरी बात करता हूं, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी इज डिफाइंड एज बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग दैट द आउटकम इज गोइंग टू बी डिजायरेबल, और वी कैन से बीइंग श्योर अबाउट द आउटकम। अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज लैक ऑफ श्योरनेस। अब जिस चीज के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, उसमें अपना समय, रिसोर्सेस और एनर्जी क्यों लगाऊंगा भाई? देखो मैं चाहता हूं बहुत कुछ करना, पर जब मुझे श्योर नहीं होता, ना तो मैं उसमें समय लगाने के लिए तैयार हूं, ना मैं उसमें एनर्जी लगाने के तैयार हूं, ना मैं उसमें रिसोर्स लगाने के लिए तैयार हूं। कन्विंस करना पड़ेगा पहले, क्यों लगाऊं उसमें समय, एनर्जी और रिसोर्सेस? कन्विंस कोई करता नहीं। और कंफ्यूज इतना कर दिया है, देखो खुदा एक होता है, ये सब बोलते हैं, पूरी दुनिया बोलती खुदा सिर्फ एक होता है। दो क्या होता है? माया, ड्यूअलिटी। तो जब मान लो एक पर्सन से जुड़ा हुआ है, कितना क्लीन है, दो इंसान जुड़े हुए हैं, जब तीसरा बीच में डाल के पिक्चर को खराब करते हो ना, कंफ्यूज करते हो, फिर ऊपर से किसी का नाम लेने की इजाजत नहीं आजकल मीडिया में, नाम तो ले नहीं सकता वो भी बिना किसी की अप्रूवल से, ये है वो है, ये है वो है करके बातें करोगे,
कौन है भाई। तो मेरे कहने का मतलब, जो कम्युनिकेशन का पुराने समय का था ना, जब के हम पैदा हुए हैं तब फोन और इंटरनेट नहीं था, रूबरू होते थे हम एक दूसरे के सामने, चेहरा पढ़ते थे, आंखें पढ़ते थे। अब जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे पढ़ोगे, एक्सेसिबल ही नहीं है कैसे पढ़ोगे, छोर ही नहीं है कौन सा काम करोगे। तो ये कंफ्यूजन किसने पैदा किया है, देखना जरा पिछले 3 साल का एनालिसिस करके, कितना समय लगाता था, कितनी इनपुट देता था, कितना हार्ड वर्क करता था, आउटकम आई कोई नहीं, उसके आधार पे ही तो आज के डिसीजन होंगे। जब अभी मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ पिछली बार ऐसे किया था, रिजल्ट तो नहीं आया, दोबारा क्यों करूंगा। हाँ अगर किसी को बात करनी है, मैं तो बहुत एक्सेसिबल हूँ, डोर मेरे खुले रहते हैं घर के, फोन इंटरनेट की भी जरूरत नहीं, मैं तो झूले पे बैठा होता हूँ और सबको वेलकम करता हूँ, सबको मतलब सीरियसली, पुराना दोस्तो नया दोस्तो, कोई थोड़ा जानता हो बात करनी चाहे आके कर सकता है। आजकल तो हर बात मिडल मैन डालना पड़ता है, कोई तो कोई भी बंदा नहीं है जो आके बात कर सके, कर लेनी चाहिए अगर अगर जरूरी हो तो, अगर नहीं जरूरी हो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बैठा हूँ, भूल जाओ बस।